क्यों ही ले ली जिप्सी, झंझट वाला काम है, पैसा भी लगाओ और परेशान भी रहो, पुरानी गाड़ी मत ले। सो हे व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू YD व्लॉग्स। तो कैसे हो सारे, आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ RTO के लिए, क्योंकि आज होना है गाड़ी का फिटनेस। तो कल की वीडियो में आपने देखा था क्या क्या चीज़ें फिटनेस में चेक होगी, तो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसा रहता है फिटनेस में। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्ट करके रख दी थी, तो इसने प्रॉपरली ढंग से स्टार्ट हो चुकी है। और अभी हमें जाना है डोई वाला के पास लाल तप्पड़, क्योंकि फिटनेस का सारा वर्क वहीं पे होता है, मेन RTO में नहीं होता है, तो वहां पे शिफ्ट हो चुके हैं अब। तो वहां हम निकल रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा सीन रहता है, मजा आने वाला है काफी। आपको भी काफी नॉलेज मिलेगा कि कैसे अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हो तो क्या उसमें प्रोसीजर रहता है। तो चलते हैं, यहाँ से हैंड ब्रेक डाउन कर दिया है और चलो लेट्स गो। चलो गाइस, तो अभी हम मेन हाईवे पे आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल भरवाते हैं क्योंकि पेट्रोल नहीं दिखा रहा है। ये रहा पेट्रोल पंप, फुल दबा देना। तो अभी हम लाल तप्पड़ पहुंच चुके हैं और वहां सामने RTO ऑफिस, वो अंदर जहां विक्रम खड़ा है वहां पे होना है इसका रजिस्टर। तो अभी ये टेप लग रही है क्योंकि ये फिटनेस में देखी जाएगी टेप वगैरह, क्योंकि रेडियम जरूरी होता है फिटनेस के लिए, आगे और पीछे दोनों साइड। देखिए ये वाली टेप लग रही है। तो अभी मुझे बाहर दौड़ना पड़ा, एक फर्स्ट एड किट और एक सिलेंडर लेने जाना पड़ा, क्योंकि ये गाड़ी में रखना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट एड किट भी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये चेक होगी वहाँ पे। तो लंच टाइम चल रहा है और ये देखिए पूरा बता रखा है कि 21,108 रुपये की इसमें फीस कटेगी और बाकी परमिट मिलेगा या नहीं अभी कोई पता नहीं है। हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या दिक्कत आई है गाड़ी में। सो मैं अभी आ गया हूँ घर और एक दिक्कत हो चुकी है, मन तो कर रहा है क्यों ही ले ली जिप्सी, क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं उसमें। मैं वहाँ ले गया, उन्होंने कई सारी कमियाँ दिखा दी, मैंने आप लेफ्ट साइड स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा क्या क्या इन्होंने ब्रोशर में लिख के दिया है। तो अभी मैं फिर वापस लेके आ गया था गाड़ी, गाड़ी मैंने छोड़ दिया वर्कशॉप में, और जो इंडिकेटर्स वगैरह जो भी है, साइड फुट रेस्ट और पीछे की स्टेपनी वगैरह उसमें ऐड ऑन होनी थी, तो काफ़ी मतलब झंझट वाला काम है। लग रहा है क्यों ही ले ली जिप्सी, मतलब पैसा भी लगाओ और परेशान भी रहो। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि भूल के भी पुरानी गाड़ी मत लें, मतलब मैंने लेके तो गलती कर दी है, आप लोग ऐसी गलती मत करें। अभी वो प्रॉपर फिटनेस के लिए पूरी तैयार की जाएगी, जो उसमें साउंड वगैरह है, क्योंकि मशीन ने सारी उसकी गलतियां बता दी कि ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। तो अब जब जाके वो ठीक होगी तब जाके फिटनेस के लिए वैलिड होगी, तो मुझे काटने पड़ेंगे काफ़ी सारे चक्कर। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा पुरानी गाड़ी बिल्कुल ना लें, क्योंकि अब नए रूल के हिसाब से गवर्नमेंट काफ़ी कुछ चेंजेस कर रही हैं, तो लगभग 25,000 रुपये की मेरे को पेनल्टी पड़ रही है उस गाड़ी में, तो काफ़ी लंबा चौड़ा मेरा खर्चा होने वाला है। तो देखते हैं, चलो आपको पूरी डिटेल देता रहूँगा कि क्या क्या होगा आगे। तब तक के लिए बाय बाय।